तले इस इलाके के ज्याले बारिश सुबह से हो रही थी। हम लोग कोलकाता से आने में घबरा रहे थे कि प्रोग्राम कैसे होगा, और लाहौटी भांगुड़ के लोग जनाब सैयद आसिम वकार साहब को कैसे सुनेंगे। तो उस वक्त तमाम लाहौटी के मौलवी हजरात ने, यहाँ के जिम्मेदारों ने एक बात कही और एक बात सोच ली कि ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, ऐ अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके और इतना ना बरस के वो जा ना सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बारिश तो हो गई, और जो दूसरी विरोधी दल पार्टी के लोग थे, जो उनके ऊपर नशा तारी थी, उनके मनहूस सोच को अल्लाह ने पानी बारिश बरसाकर खत्म कर दिया। क्यों के सुनो, अब तक बंगाल में वो बोलते हैं और हम सुनते हैं, अब हमारे कायद जनाब सैयद आसिम वकार बोलेंगे और यहाँ का मंत्री और एमपी सुनेंगे। क्यों कि हमने आपको बहुत सुना, ऐसे बोलो मैंने बोला, आपने बंगाल में कहा एरकम चलो आमरा चलची, हम ऐसे चले, आपने कहा ऐसे रहो, इसको पकड़ो इसको छोड़ो, हमने कहा। और लाहौटी भांगुड़ के लोग, तुम्हारा कैसे कामयाबी हुआ लाहौटी वालों, तुम अपने एमपी के मुंह पे तमाचा मारो। वजह ये है कि पूछो जाके, बारिश हो रही थी, ये रास्ते का हाल देखो, तुम्हारी आंख की बिनाई खत्म हो गई। एमपी साहब वोट के टाइम में 5 साल का मुस्तकबिल तुम हमारा लेने के लिए हमारे घर पे आते हो, हमारी बेटियों के सामने हाथ जोड़ते हो, हमारी बहू के सामने हाथ जोड़ते हो। 5 साल जीतने के बाद यही विकास आपने किया है, चाहे किसी की भी एमपी हो एमएलए हो, दिखाओ उनको रात के वक्त में कान पकड़कर कि यही रास्ते का हाल होना चाहिए। एक बार आने दो मजलिस के सिपाही, मजलिस तो वो करते हैं, उमूमन तौर पे कहा गया है कि कुदरती जो दिल होता है वो 200-250 ग्राम का होता है, लेकिन जो लोग मजलिस करते हैं उसके अल्लाह के तरफ से 250 किलो का दिल होता है।